जय श्री राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माय विचार पर। पिछला वीडियो जो निम्बार्क संप्रदाय के लिए था, वो वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। ये है सेकंड पार्ट। इस संप्रदाय की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हर संप्रदाय की अलग अलग उपासना विधि होती है, अलग अलग उपासना स्वरूप होता है, वैसे इस संप्रदाय में भी एक पृथक उपासना स्वरूप है। निम्बार्क संप्रदाय में भगवान राधा कृष्ण जी की युगल स्वरूप में उपासना की जाती है। इस संप्रदाय में भक्त स्वयं को राधा रानी की सखी सहचरी मान करके और नित्य निकुंज भाव में उपासना करता है। राधा और कृष्ण जी की सम्मिलित रूप से लीलाएं निकुंज में ही हैं, इसीलिए इस संप्रदाय के समस्त उपासक निकुंज उपासक हैं। इस संप्रदाय के भक्त का ये भाव रहता है कि हम राधा रानी की सखी हैं और प्रिया प्रीतम की अष्टयाम सेवा और चिंतन ही प्रधान है। कई लोग सोचेंगे कि इस संप्रदाय में सखी भाव से उपासना की जाती है और स्त्री तो ठीक है, लेकिन जो पुरुष है वो फिर सखी भाव कैसे लेके आए। जब ये भाव आ जाता है कि हम ना तो स्त्री हैं ना पुरुष हैं, नित्य निकुंज में राधा रानी की सहचरी हैं जो कि प्रियालाल जी की नित्य सेवा में रत रहती है, तब सखी भाव प्राप्त होता है। यहाँ तक कि नारद जी ने भी निम्बार्काचार्य जी को यह उपदेश दिया कि सुबह उठकर के मन में सखी भाव को धारण करके अपनी नित्य क्रियाओं को करना है। सखी भाव से मतलब ये नहीं कि हम स्त्री का वेश धारण कर लें। सखी भाव मानसिक रूप से मन से सखी भाव को धारण करना। जैसे मान लीजिए हम कोई भी काम कर रहे हैं तो मन में ऐसी धारणा हो कि हम ये काम प्रियालाल जी के निमित्त कर रहे हैं, तब जाकर के हमें सखी भाव की प्राप्ति हो। इस संप्रदाय के उपासकों के लिए कुछ बातें हैं या कह लीजिए नियम हैं जो आचार्यों द्वारा उपदेश किए गए। तिलक, कंठी, छाप, नाम और मंत्र। हम बात करें तिलक की, तो तिलक आप देख ही रहे हैं, मैं स्वयं निम्बार्क संप्रदाय से हूँ और मेरे माथे पे जो तिलक है वो निम्बार्क संप्रदाय का तिलक है, आचार्य द्वारा बताया गया तिलक है। गोपी चंदन से उर्ध्वपुंड लगाया जाता है और मध्य में श्याम बिंदु लगाया जाता है। कई लोगों को तिलक लगाने से शर्म आती है, ऐसा मन में भाव नहीं लाना चाहिए। हमें लोगों की चिंता नहीं करनी है, हमें हमारी चिंता करनी है कि हमारा क्या कर्तव्य है। तिलक लगाने से मन में वैष्णवता का भाव आता है। जैसे मान लीजिए हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का आइडेंटिटी कार्ड हमें लगाना होता है। आइडेंटिटी कार्ड हमारे पास होता है तो हम उस कंपनी के सदस्य हैं, इस बात का प्रूफ होता है। तो तिलक भी इस बात का प्रूफ है कि हम हमारे आचार्यों के, हम हमारे आचार्यों के शिष्य हैं, हम हमारे भगवान के बच्चे हैं, ऐसा हमें फील होता है। दूसरी बात है कंठी, तुलसी कंठी। जैसे कि आप मेरे गले में देख रहे हैं तुलसी कंठी, निम्बार्क संप्रदाय में जुगल कंठी पहनी जाती है। अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग कंठी का स्वरूप होता है। तुलसी कंठी वैष्णव को पहनना अनिवार्य है। तुलसी कंठी पहनने के पीछे कई अलग अलग संतों का अलग अलग भाव है। जैसे जैसे भगवान को तुलसी के बिना कोई वस्तु स्वीकार नहीं होती है, भोग भी लगाया जाता है तो उसमें भी तुलसी दल रखा जाता है, उसी प्रकार हम भी अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हम अगर तुलसी कंठी पहनेंगे तो भगवान हमें स्वीकार करेंगे। ये भाव से भी तुलसी घंटी पहनी जाती है। कई संत कहते हैं कि ये वृंदा महारानी है, वृंदा सखी हैं जो कि हमारे गले में विराजमान है। जैसे वैष्णव को भगवान का प्रसाद ही अपने भोजन के रूप में प्राप्त करना होता है, तो अगर प्रसाद नहीं मिल पाया तो जो भी हम खा रहे हैं वो यहाँ से होकर के जाता है, तुलसी का स्पर्श होता है तो वो स्वतः ही प्रसाद बन जाता है, ऐसा भी भाव है कई लोगों का। सब लोगों का अलग अलग भाव है। तो वैष्णव को तुलसी कंठी अवश्य पहननी चाहिए, निम्बार्क संप्रदाय में जुगल कंठी पहनी जाती है। तीसरा है छाप। छाप से अर्थ है कि भगवान के आयुध की छाप लगाई जाती है। एक भुजा पे चक्र, एक भुजा पे शंख की छाप लगाई जाती है। गोपी चंदन से लगाई जाती है, तप्त छापों का भी शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन गोपी चंदन किसे छाप लगा ली जाए उतना काफी है। आपने देखा होगा रामायण में भी जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो विभीषण जी का जो महल होता है उसके बाहर शंख और चक्र छपे होते हैं और तुलसी का पौधा होता है। ऐसा देख करके ही हनुमान जी के मन में ये बात आई कि ये किसी वैष्णव का घर है, तो छाप हमारे लिए जरूरी है। ये लोग घरों के बाहर भी लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वैष्णव को भुजा पर शंख और चक्र की, भगवान के आयुधों की छाप लगानी चाहिए। चौथा नियम है नाम। गुरु जी के द्वारा नाम दिया जाता है। मेरा नाम माता पिता के द्वारा तो पीयूष दिया है, लेकिन गुरु जी ने मेरा नाम दिया है प्रिया शरण। हम इसी नाम को धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कार्यों में इसी नाम को काम में लेते हैं। पांचवी बात आती है मंत्र, जो सबसे जरूरी चीज है। निम्बार्क संप्रदाय में दो मंत्र दिए जाते हैं, गोपाल मंत्र और शरणागति मंत्र। ज्यादा माला ना हो, 16 माला ना हो, 64 माला ना हो, तो कम से कम एक माला तो करनी चाहिए। एटलीस्ट एक माला तो हम अपने दीक्षा मंत्र की करें, ये बहुत ज्यादा आवश्यक चीज है।
बाकी युगल मंत्र है, युगल मंत्र का संकीर्तन किया जाता है, चलते फिरते उठते बैठते कभी भी हम युगल मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस संप्रदाय के मुख्य पीठ निम्बार्क तीर्थ है, जो राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ नामक स्थान के समीप है। यह पहले सलेमाबाद के नाम से जाना जाता था, अब राजस्थान सरकार ने इसका नाम बदल करके निम्बार्क पीठ रख दिया। पूरे विश्व में एकमात्र पीठ यही है, यहीं से समस्त निम्बार्क संप्रदाय का संचालन किया जाता है, अलग अलग मंदिरों का संचालन किया जाता है। वृंदावन में भी अलग अलग मंदिर है, वहां का भी संचालन इसी पीठ के द्वारा किया जाता है और इसी पीठ में आचार्य भी निरंतर निवास करते हैं। यहाँ पर राधा माधव प्रभु की सेवा है, जो जयदेव कवि जिन्होंने गीत गोविंद की रचना करी थी उनके द्वारा सेवित है। वीडियो में इतना ही, हम अगले पार्ट में 35वें आचार्य के बाद 36वें आचार्य से आज तक के आचार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर इस वीडियो के संबंध में आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जय श्री राधे।